So welcome back to my channel again. तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स और इस चैप्टर में हमने रूट को डिस्कस करने के बाद स्टेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम जिसमें हमने स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में सो so अभी इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था जिसमें हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था

So मॉडिफिकेशन प्लांट में होती है जिसकी वजह से कुछ वो कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके है. मतलब प्लांट को सर्वाइव करने में कुछ मुश्किल आ रही होती है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा कर पा रहा होता है प्रेजेंट कंडीशन में इसीलिए उस प्लांट को अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक

जल ब्रांचिंग उसमें हो सकती है वो हो सकते हैं। और यही हमने आज के चैप्टर में डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो हमें की जब भी हम बात करते हैं टेंड्रिल से हमारे दिमाग में क्या आता है टेंड्रिल मतलब कुछ 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 कर्व कर्व सा सी चीज़ होनी चाहिए। सो टेंड्रिल्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक सेंसिटिव व्हिच कैन कॉइल अराउंड दिस सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग सो दिस पिक्चर इज ऑफ द टेंड्रिल इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ये टेंड्रिल की एग्जाम्पल है टेंड्रिल क्या होता है बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बट वो कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिस तरीके से आप ये वाली यहाँ पे स्टेम देखोगे तो ये किस तरीके से कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट है ये ये वाली जो स्टेम है है पे पे भी किस तरीके से पूरा कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट तो इस तरीके का स्टेम में अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल और ये स्टेम टेंड्रिल जो है ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है द ब्रांच स्टेम टेंड्रिल में बेयर द स्केल लीव्स इन द रीजन ऑफ वॉकिंग अगर कोई पर्टिकुलर द टेंड्रिल जो है अगर वो ब्रांचड होगा उसमें अगर डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो जहां से वो ब्रांचेस हो रही होंगी रीजन ऑफ फोकिंग फोकिंग का यहां पे मतलब है कि जहां से वो टेंड्रिल जो है वो डिवाइड हो रहा होगा दो डिफरेंट टेंड्रिल्स में कभी-कभार ऐसा होता है कि जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें कुछ स्केल लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड द वन एग्जांपल ऑफ द सेम स्टेम टेंड्रिल इज अ ग्रेप वाइन एंड दिस पर्टिकुलर इज द एग्जांपल ऑफ द ग्रेप वाइन इस तरीके की कंडीशन हमें क्रेप वाइन में देखने को मिलती है नाउ द सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इज हु अब हुक्स का क्या मतलब होता है हुक जैसे हमें सभी को पता है हुक क्या होता है कुछ भी अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो वो वो क्या होगा वो एक हुक हुक होगी वो हुक की फॉर्मेशन करेगा कुछ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर वो क्या होगा हुक होगा तो द पेडिसल अब होता है क्या है हुक के केस में मैं आपको दो तो एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे द देडिसल्स और द फ्लोरल स्टार्क्स ऑफ द आर्टा बॉटरफाइड इन टू द स्टिफ और हुक फॉर हेल्पिंग इन द क्लाइंबिंग सो करू कैन सी हिस्सा हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है इस प्लांट की दैट इज नोन एज

और इन द केस ऑफ आर्टा पॉटर एक एग्जाम्पल है इसके केस में पेडिस जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं और स्ट्रक्चर आप यहां पे इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर यहां पे देख सकते हो ना

विल हेल्प इन रिड्यूस द ट्रांसपेरेशन और एक और चीज एनिमल्स पर्टिकुलर प्लांट को नहीं खा सकते क्योंकि उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं अगर एनिमल्स उन, उन प्लांट्स को खाएंगे तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट में अब थॉर्न्स हैं और थॉर्न वे प्लांट को एनिमल्स खाना प्रेफर कभी नहीं करते एक्साम्पल्स ऑफ दीज आर एक्सटेम थॉर्स दैट अकर्स इन दिट्रस प्लांट्स बॉगनवीलिया अगर ये आप बॉगनविलिया के यहां पर एक्साम्पल देखोगे दिस इज द एक्साम्पल ऑफ द बोगनविलिया और बोगनविलिया के अंदर ये जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टेम थॉन उसके बाद अगर आप लोग दुरंता की पिक्चर देखोगे सो दिस पिक्चर इज ऑफ दुरंता प्लांट दुरंता प्लांट के केस में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं बट एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे जो थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं दुरंता के केस में इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि थॉर्न के साथ जो है वो और भी स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ और फ्लाट्स भी प्रेजेंट होते हैं मतलब कुछ ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ थॉर्न्स में कन्वर्ट होते हैं इन द केस ऑफ दुरंता एंड देयर इज अ केस ऑफ पॉमिग्रेनेट आल्सो सो इन बॉगनविलिया अगर आप बॉगनविलिया के थॉर्स को देखोगे तो ये हल्के से ऐसे आपको कर्व दिखेंगे दे हेल्प इन प्लांट क्लाइंबिंग ऑब्वियसली अगर वो इस तरीके से करव होंगे तो वो क्या करेंगे प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे एंड इन द केस ऑफ दुरंता द स्टेम थॉर्स द स्मॉल फोलिएज लीफ दुरंता केस में जो थॉर्न होते हैं उसके आसपास क्या होता है फॉलियज फॉलियस मतलब लीव्स बहुत सारे लीव्स का प्रेजेंट होना है वहां पे लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एंड थॉर्न्स आर टर्मिनल एंड ब्रांस इन द केस ऑफ

थॉर्न होती है थॉर्न थॉर्न किससे बनती है मॉडिफाइड स्टेम में बनती है और उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं किसको बाग को अच्छे से सराउंड कर लेते हैं इन द केस ऑफ थॉर्न एंड इन द केस ऑफ स्पाइन स्पाइन आर बेसिकली द मॉडिफाइड लीव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है दैट दीज thorns are basically known as the modified sorry spines are known as the modified leaves or thorns are known as the modified stem मतलब stem की modification से thorns बनते हैं.

की बात करें ब्रिसुल्स क्या होते हैं ब्रिसुल्स आर बेसिकली नोन है

तो so, ये कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया अब हमको दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है द फर्स्ट वन इज नोन एज द फाइलो क्लैट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द क्लैडोड्स तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइलो क्लैट क्या होता है

इस पर्टिकुलर प्लांट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो पूरी की पूरी स्टेम है ये पूरी की पूरी स्टेम जो है वो किस तरीके से हो गई है ग्रीन कलर की हो गई है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और फ्लैट हो गई है इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं यहाँ से ये ब्रांच है ये ब्रांच है सारी की सारी यहाँ पे फ्लैट हो गई है और इसके केस में द लीव बिकम कॉडिशियस और मॉडिफाइड इन द स्केल लीव और द स्पाइन So let me just करेक्टेड सो हेयर द लीव बॉर्डेशियस और दे आर मॉडिफाइड इन टू स्केशन पढ़ रहे हैं इसमें कि इस प्लांट केस में जो लीवस होते हैं वो स्पाइन की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं अभी हमने पढ़ा ना लास्ट स्लाइड में स्पाइन क्या होते हैं स्पाइन मॉडिफाइड लीव तो इसी तरीके से जो लीवस है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और

को हम लोग स्कार बोलते हैं और अपंशिया के केस में क्या होता है ट्रांसपेरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि उसके केस में जो में जो होते हैं वो कन्वर्ट हो गए होते हैं इसीलिए ट्रांसपेरेशन जो है वो कम होती है एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज यूरिया रॉयलेना अब ये जो पर्टिकुलर प्लांट है यूफोरिया रॉयलेना इसके केस में अगर आप देखोगे द स्टेम इज थिक स्टेम जो होती है वो थिक होती है फ्लैशी होती है ग्रीन होती है और एंगुलर होती है एंगुलर मतलब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल्स की तरह ये दिखेगा ये अलग स्ट्रक्चर होगा फिर ये इतना ये अलग होगा इसी तरीके से पूरा सर्कल में हम देखेंगे ना तो ये अलग अलग ऐसे एंगल एंगल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड इट ऑल्सो इन विच द स्टेम इज फोटोसिंथेटिक एंड ऑल्सो कंटेन्स मिल्की लेटेक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है सो दिस इज द केस ऑफ द फाइलोक्ट फाइलोक्लैट में जो प्लांट है उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है या फिर हम लिख सकते हैं इन इनडेफिनेट ग्रोथ अनलिमिटेड या फिर इनडेफिनेट ग्रोथ होती है प्लांट्स की और इसके केस में जो पूरा का पूरा उसका स्टेम वाला स्ट्रक्चर है जो शूट वाला स्ट्रक्चर है वो पूरा मॉडिफाइड हो जाता है और उसके केस में हम इस टाइप इस की मॉडिफिकेशन को फाइलो बोलते हैं

प्लांट है इसमें क्या होता है द क्लैडोर्स आर लीफ लाइक अगर आप यहाँ पे क्लैडोर देखोगे तो कैसा है लीफ लाइक क्लैडोर इज देअर एंड हियर लीफ लाइक अपेयरेंट विदाइनी टेपेट आउट लाइन रफली

ट्रांसपरेशन और क्लैडोड्स का क्या मतलब होता है बेसिकली क्या फंक्शन क्या होता है क्लैडोड की मॉडिफिकेशन होती क्यों है इसलिए होती है क्यों ताकि वो जो क्लैडोड है वो मॉडिफाई होते हैं ताकि वो ट्रांसपरेशन रेट को कम कर सकें और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो सके सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर हमने एरियल मॉडिफिकेशन जो एरियल शूट्स होती हैं एरियल स्टेम्स होती हैं उनकी मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हमने थॉर्न्स ब्रिसल्स प्रिकल्स उन सब के बारे में भी डिस्कस किया उसके बाद हमने फाइलो के बारे में डिस्कस किया और हमने क्लाडोट्स के बारे में भी डिस्कस किया सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो यू कैन टेल मी इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड